खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस कहावत को अब बदल दीजिए और कहिए कि खिसियाने भाजपाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इज्जत नोचे, उन्हें गरियाएं। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पर जब से सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और जब से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के चंदा वाले खेल का पर्दाफाश हो रहा है, सारी चुनावी गणित इसके सामने हल्की पड़ती जा रही है, जबरदस्त बदनामी हो रही है, तब से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल गैंग वाले हैं ये बौरा गए हैं। एक बार फिर से इन्होंने चीफ जस्टिस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। भाजपाई ट्रोल गैंग के एक सदस्य ने सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए जैसी भाषा का प्रयोग किया है और जितना बड़ा झूठ परोसा है और फिर इसके बाद जिस तरीके से दुम दबाकर भागा है वो सब कुछ देखने लायक है। ये मसला बड़ा गंभीर है, ध्यान से देखिएगा। उधर चुनावी बॉन्ड के मसले पर एक नया खुलासा हुआ है और ये इतना भयंकर कांड है, इतना बड़ा धोखा और साजिश है जिसके लिए किसी बॉन्ड के सीरियल नंबर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपने आप सिद्ध होता है कि किस तरीके से मोदी सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड के मामले में दिल ही नहीं बल्कि सब कुछ खोलकर मदद की। पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी खोपड़ियां चकरा ना जाए तो कहिएगा। जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदा उसको लेकर भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, उसका इतिहास बड़ा दागदार नजर आता है, रोचक निकल कर आया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद की कहानी है प्रधानमंत्री की। चुनाव की घोषणा हुए चार दिन भी नहीं बीते कि साहेब ने कथित रूप से चार चार कांड कर दिया। कहां तो 4 जून और 400 पार का नारा लगा रहे थे, इधर 4 दिन के भीतर ही ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे चुनाव आयोग को चार चार तमाचा साहेब मार दिए। जी हां, मोदी के आचार संहिता उल्लंघन की चार कहानियां सामने आ रही हैं। चारों को बेहद आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा और इसके बाद आप खुद से सवाल करिएगा कि क्या मोदी ने अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त इसीलिए बनाया ताकि वो खुला खेल फरुक्काबादी कर सके। उधर कांग्रेस ने आज देश के लिए 5 गारंटी प्रस्तुत कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने रामकिशन यादव की पूंछ उखाड़ने के लिए उनको अदालत में पेश होने का आदेश दे दिया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आज की ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को एकदम आसान भाषा में परोसने जा रहा हूं। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा कन्न से। और हां, ये सब कुछ एकदम फ्री होता है इसीलिए फ्री माइंड से ये काम शुरुआत में ही निपटा लिया करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो देश को बर्बाद करने की सुपारी ले ही रखी है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। याद करिए, 10 साल पहले गुजरात से निकलकर कोई आया था और पूरे देश को गुजरात मॉडल पर विकसित करने के दावे किया करता था। इसके साथ ही गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे, उस काशी को उन्होंने क्योटो बनाने का वादा भी किया था। काशी अभी भी काशी है, क्योटो तो नहीं बन सका और ना ही स्मार्ट सिटी बन सका। हाँ, पोस्टरबाजी और प्रचार की बात करें तो निश्चित ही वो दुनिया ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे विकसित शहर कहा जा सकता है। कहने में लगता ही क्या है, पैसा ही तो लगता है और पैसा लगाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड तो था ही। बाकी वाराणसी के विकास की हकीकत की एक झलक यदि आपको देखनी हो तो इस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा किस तरीके से मोदी की गोदी में ही मोदी की गारंटी का सत्यानाश हो गया। वाराणसी से खबर आ रही है कि वहां पर करोड़ों रुपए की म्याऊं म्याऊं ड्रग्स बरामद हुई है, म्याऊं म्याऊं, जिसकी कीमत 2.75 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा 30 करोड़ के ड्रग्स और ढेर सारा केमिकल भी जब्त किया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में गुजरात ने ड्रग्स के मामले में विकास हासिल किया, ऐसा लग रहा है कि गुजरात का वही ड्रग्स मॉडल साहिब की सरकार ने वाराणसी को भी दे दिया। उत्तर प्रदेश में यदि दूसरी पार्टी की सरकार होती तो आरोप लगा सकते थे, मगर वहां तो डबल इंजन है। अब वाराणसी के लोग यानी क्योटो के लोग और राम राज्य के लोग यदि चाहे तो इस बात पर जमकर ताली बजाएं, डांस करें, उनके यहां कथित रूप से गुजरात मॉडल लागू हो चुका है। वाराणसी में ही कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि यहां का युवा या तो शराब पीता है, अगर शराब नहीं पीता तो दिन रात मोबाइल में लगा है, मोबाइल के नशे में है, डूबा हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री को बहुत बुरी लग गई, कहने लगे कि राहुल गांधी ने काशी के युवाओं को नशेड़ी कह दिया। लेकिन जरा सोचिए, ये जो 30 करोड़ से अधिक रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया ये किन युवाओं के लिए था, और ये नहीं पकड़ा जाता तो कौन लोग इसका सेवन करते, और ये तो वो है जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया उसकी मात्रा कितनी ज़्यादा होगी। बाकी टेंशन मत लीजिए, न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और माँ गंगा की हालत क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिखाया है, आप देख लीजिए। और जो काशी के हैं वो तो दिन रात देखते हैं गंगा मैया कैसे कराह रही हैं कि नाचियार के हंस रही हैं। आइए अब सबसे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को किस तरीके से बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है,
कैसे उन्हें टारगेट किया जा रहा है उसे देख लीजिए। आप सबको पता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मसले पर सरकार के तमाम तिकड़मों को धराशाही करते हुए सारा डेटा सामने रखने का आदेश दे दिया। एक और बात, बहुत सारे दर्शक लगातार फोन करके हमसे पूछ रहे हैं, अभी तक पूछ रहे हैं कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड किस सीढ़िया का नाम है, जरा किसी वीडियो में आसान भाषा में बता दीजिए। तो सुनिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। हर एक राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए, उसके खर्चों के लिए चंदा इकट्ठा करता है, और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन जब आम जनमानस से चंदा लेकर कोई राजनीतिक दल काम करता है तो वो आम जनमानस के लिए काम करता है, मगर चूंकि आम जनता से चंदा वसूलना और उस चंदे से पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना चंदा भी नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत सारे धंधेबाज नेताओं ने जुगाड़ निकाला कि क्यों न मोटे मोटे पेट वाले सेठों से मोटा मोटा चंदा लिया जाए और फिर सरकार में आने के बाद उन सेठों को धंधा दिया जाए, और ये काम सब करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कोई दाल में नमक के बराबर करता है, कोई पूरी पूरी दाल ही करता है, और कोई पूरी पूरी थाली ही कर देता है। जैसे कि हमारे देश की कई कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिन्होंने बताया है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से एक रुपया चंदा नहीं मिला, मिलेगा भी कैसे। ये वो पार्टियां हैं जो मजदूर, गरीब, ग्रामीण और आदिवासियों को हक दिलाने की बात करती हैं, तो कौन सा सेठ इनको चंदा देगा। भारत में ज्यादातर पार्टियां व्यापारियों से चंदा लेती हैं और सत्ता में आने के बाद किसी न किसी रूप में उन्हें लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी व्यापारी कहीं 10 रुपया लगाएगा तो उससे जितना ज्यादा होगा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा, करता है, और इसी वादे पर वो राजनीतिक दलों को चंदा देता है। लेकिन कुछ साल पहले मोदी सरकार ने चंदा लेने का एक नया सिस्टम निकाला। इसके तहत कौन व्यक्ति कितना मोटा चंदा किसको दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, इसकी जानकारी देश की जनता को नहीं लगेगी और किसी पार्टी को भी नहीं लगेगी। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप लोग कभी ये न जान पाए कि मोदी सरकार किन लोगों से पैसा लेकर किन लोगों के लिए धंधा सेट कर रही है, किन लोगों को आपकी संपत्ति यानी देश की संपत्ति सस्ते में कौड़ियों के भाव बेच रही है। आप कहेंगे कि मोदी सरकार और भाजपा तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में कोई फर्क नहीं रह गया है, नाम मात्र का फर्क है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने एकदम खत्म कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड में अब तक जो चीजें निकल कर आई हैं उनसे तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं जो दिखाते हैं कि बहुत सारे लोगों के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स तथा सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने छापा मारा, कुछ दिन बाद वो लोग बीजेपी को चंदा देते हैं, यानी सरकार डरा रही है और बीजेपी चंदा पा रही है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां जो व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है कुछ दिन बाद उसी को बड़ा सा टेंडर मिल जाता है। और एक भाजपा का मामला आया, भाजपा के एमपी ही खुद उसने 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, फिर उसको 1000 करोड़ से अधिक का टेंडर मिला, फिर उसने 40 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। और ये सब जो कारनामे हैं इन्हें या तो धन उगाही कहा जाता है, फिरौती कहा जाता है, टैक्स की चोरी के मामले को देश के खजाने का नुकसान कहा जाता है, और जिन लोगों को कथित रूप से बॉन्ड लेकर टेंडर दिया गया उसे घुसखोरी कहा जाता है। और ये तीनों काम करने का आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है, और इन आरोपों में गंभीरता इसलिए नजर आती है क्योंकि मोदी सरकार लगातार इसको छुपाने के प्रयास में हुई थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्टेट बैंक ने बिना सीरियल नंबर के आंकड़े सामने रख दिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट को डांटना, फटकारना पड़ा, लताड़ना पड़ा, कहना पड़ा कि तुरंत सारा सीरियल नंबर भी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ सामने रखो, और इसके बाद लिक कर दो कि तुमने कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ सामने रख दिया है। और इतना कहने के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जबरदस्त बौखलाहट देखने को मिल रही है। कहानी इतनी बिगड़ चुकी है कि भक्त लोग बिलबिलाए घूम रहे हैं, अब उनको जवाब नहीं आ रहा। मुझे कई लोगों ने फोन करके कहा है कि सुबह सुबह जब वो खेल के मैदान में जाते हैं तो जो भक्त लॉबी अब तक किसी को भगवान साबित करने के लिए लड़ने को तैयार हो जाती थी, अब वो मुंह छुपाए फिर रही है, जवाब नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर स्वीकारने लगे हैं कि जिसे भगवान समझा था वो तो कुछ और निकल रहा है, लेकिन भक्त बेचारा तो मुंह लटकाए घूम रहा है, कर भी क्या सकता है। उधर सोशल मीडिया पर जो भाजपा के पक्ष के ट्रोल हैं, जो लेकर ट्रोल करते हैं, वो चीफ जस्टिस को टारगेट करने लगे हैं। ट्विटर पर एक यूजर है अजीत भारती, आप भी ध्यान से देखिए, इसने एक वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है। वाओ, अधिवक्ता बोलते रहे, चंद्रचूड़ उठकर निकल गया बिना कुछ बताए। यह वीडियो बताता है कि न्यायपालिका में पारिवारिक प्रतिभा और उचित डीएनए सीक्वेंस भरी जजों का घमंड कितना ऊंचा और अभद्र होता है। यह सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट।
आप जरा इस भाजपाई ट्रोल की भाषा पर गौर करिए, खुद ही बता रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और फिर खुद ही सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज के बारे में किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। और जो वीडियो इसने शेयर की है वो आधी अधूरी है। वैसे तो इसने 4 मिनट से अधिक का वीडियो शेयर किया था, लेकिन जहां पर इसे झूठ परोसना था वहीं पर इसने वीडियो को समाप्त कर दिया। सुनवाई के दौरान जजों को घंटों तक कुर्सियों पर बैठना पड़ता है, आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत शरीर को हिलाना डुलाना भी पड़ता है, कुर्सी को समय समय पर एडजस्ट करना पड़ता है। वही काम चीफ जस्टिस भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्सी के हाथों को पकड़कर हल्का सा खुद को ऊपर किया, वहीं पर भाजपाई ट्रोल वीडियो को काट कर ये दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील बोलते रहे और चंद्रचूड़ उठकर निकल गया बिना कुछ बताए। इसके बाद प्रकट होते हैं मोहम्मद जुबैर। उन्होंने आगे की वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि ये हियरिंग 20 मिनट से अधिक तक चली थी। चीफ जस्टिस बीच में उठकर कहीं नहीं गए, वो सिर्फ अपनी कुर्सी को एडजस्ट कर रहे थे। और जो वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया उसमें साफ साफ दिख भी रहा है कि चीफ जस्टिस वकीलों की बातें सुन रहे हैं, केवल उन्होंने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा हिलाया डुलाया आगे पीछे किया था। मगर फर्जी वीडियो के माध्यम से जो काम हमेशा भाजपाई ट्रोल करते हैं एक बार फिर से उन्होंने किया। आपको याद होगा कुछ महीने पहले इन्हीं ट्रोल्स ने CGI चंद्रचूड़ को टारगेट करना शुरू किया था। गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, न सिर्फ चीफ जस्टिस को बल्कि उनकी गोद ली हुई बच्चियों को भी, इनके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, यहां तक कि दूर दराज के रिश्तेदारों को भी इन ट्रोल्स ने टारगेट करना शुरू किया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऐसे लोग बड़े भगोड़े किस्म के होते हैं। इसने तुरंत जैसे ही मोहम्मद जुबैर ने मामले की सच्चाई सामने रखी, ये व्यक्ति डिलीट कर भाग भी गया। इसको पता है कि लपेटे में आ जाएंगे। यानी अदालत का कोई जज जो लगातार कथित रूप से भाजपा के समर्थन में फैसला देगा, भाजपा को खुश करने की कोशिश करेगा, किसी विपक्षी पार्टी को टारगेट करेगा, उसकी सरकार के खिलाफ वक्तव्य देगा और बाद में वो भाजपा में शामिल हो जाएगा, वो जज भाजपाइयों को बहुत पसंद आता है। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या हुआ आपने देखा ही। जज गंगोपाध्याय ने जज की कुर्सी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने लटकासन कर रहे थे, जिस डिग्री पर झुके हुए थे, झुकने की वो गहराई बता रही थी कि इन्होंने कितनी ईमानदारी से अपने पद पर काम किया होगा। अब जब चुनाव से ठीक पहले चीफ जस्टिस की बेंच ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, इसके बाद से बौखलाहट बहुत बड़े स्तर पर हो गई है, क्योंकि जवाब देते नहीं बन रहा है। और अभी तो रुकिए, 2 दिन बाद स्थिति और खराब होने वाली है, वैसे अभी भी कम खराब नहीं है। लगे हाथ एक कहानी ये भी सुन लीजिए। हमने आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया उसका मालिक है सेंटियागो मार्टिन, जिसे लॉटरी किंग कहा जाता है। इसकी कंपनी ने 1368 करोड़ चंदा दिया है। कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2017 में इसी देश की CAG ने इस कंपनी के खातों में गंभीर अनियमितताएं पकड़ी थी। इसमें बताया गया था कि साल 2010 से 16 के दौरान इस कंपनी के मार्केटिंग एजेंटों ने लॉटरी की बिक्री से जो आय हुई उसका 98.6% हिस्सा हड़प लिया और राज्य को मात्र 1.4% ही मिल सका। यानी इस देश को जो पैसा मिलना था वो इसने हड़प लिया। अब आप चाहे तो कह सकते हैं कि देश का पैसा हड़पा तभी तो इतना मोटा चंदा दिया। 500 करोड़ से अधिक चंदा इसने DMK को दिया है, ये बात DMK ने खुद ही स्वीकारी है। बाकी इसके खाते में क्या है 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि इसके खाते में क्या है। इस व्यक्ति के खिलाफ तथा इसके अपनों के खिलाफ दर्जनों मामले सालों से दर्ज हैं। बाकी दबायर की ये रिपोर्ट हमने लगा दी है, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर पढ़ लें या फिर वेबसाइट पर जाकर विस्तार से पढ़ लें, मगर पढ़िए जरूर। आइए अब एक और कहानी सुनिए, देखिए किस तरीके से मोदी सरकार ने नियमों से छेड़छाड़ करके एक्सपायर्ड बॉन्ड भी भाजपा के पक्ष में भुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। रिपोर्ट बता रही है कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार 23 मई 2018 को चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड के साथ नई दिल्ली के बैंक में पहुंचे थे और उनके पास जो बॉन्ड थे वो 3 मई को खरीदे गए थे तथा 5 मई को खरीदे गए थे। आप भी जानते हैं इस बॉन्ड को खरीदने के बाद 15 दिनों के भीतर भुनाना जरूरी था और अधिकतम 18 तथा 20 मई तक ही मोटा मोटी ये लोग इस बॉन्ड को भुना सकते थे, मगर दोनों ही तारीखें बीतने के बावजूद ये बॉन्ड भाजपा के लोगों ने भुना लिया। यानी जो बॉन्ड एक्सपायर हो चुके थे लेकिन चूंकि भाजपा के लिए थे इसलिए उनको भुनाने की अनुमति दे दी गई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार भाजपा के लोगों ने एक्सपायर बॉन्ड भुनाने के लिए स्टेट बैंक के लोगों को मजबूर किया। इसी तरह की घटना साल 2019 में भी हुई, जब 10 करोड़ का बॉन्ड एक्सपायर होने के बाद भी भुनाने दिया गया। अब आप सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई भी चरण ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो। हर एक चरण पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
खेल नजर आता है। रिपोर्ट में और भी लंबी चौड़ी कहानी है, आप चाहे तो जाकर विस्तार से पढ़िए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार और भाजपा एक होकर काम कर रही है। कथित रूप से वैसी ही कहानी अब आचार संहिता लागू होने के बाद भी चुनाव में देखने को मिल रही है। अभी चुनाव की घोषणा हुए 4 दिन भी नहीं बीते कि प्रधानमंत्री की तरफ सीधे सीधे कम से कम 4 ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी कह रहे थे कि चुनाव में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अपनी स्क्रीन पर द हिंदू की इस खबर को देखिए, जहां कोयंबटूर में नरेंद्र मोदी की रैली में भर भर के स्कूली बच्चों को कथित रूप से बुलाया गया। अब इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है, स्थानीय स्तर पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मगर सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ही चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही ऐसे कारनामे करेंगे तो फिर औरों से क्या उम्मीद की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कथित रूप से चुनावी कैंपेन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इसके खिलाफ टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने शिकायत की है। उनका कहना है कि यह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कहते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करना एक भ्रष्ट आचरण है। ऐसे ही कारणों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को 1975 के ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन वो वक्त अलग था, वो समय अलग था। आज मोदी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी धन का, सरकारी एजेंसी का और सरकारी कर्मचारियों का जमकर उपयोग करते हैं। और आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कितनी अदालतों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने आदेश दिए, कौन सी कार्यवाही हुई। 2 कहानियां तो आपने सुन ली, अब तीसरा सुनिए। राहुल गांधी के ऊपर किताब लिखने के कारण हाल ही में भाजपाई चांप से बाहर किए गए पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने ये तस्वीर शेयर की है और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत बाकी अन्य 2 आयुक्तों से पूछ रहे हैं कि आप भी तो अखबार पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये इतना बड़ा प्रचार छपा है, क्या ये आपको नहीं दिखता? यहाँ राइजिंग भारत लिखकर किसका प्रचार किया जा रहा है? जो बात प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रचार में कहते हैं वही बात अखबार में भी छापी गई है। क्या भारत में कोई संवैधानिक संस्थान है इसे देखने वाला? बाकी इसी क्रम में नेताओं को बैठाकर घर घर में उनकी बात पहुंचाई जाएगी, प्रचार किया जाएगा। आप सब सुन लीजिए, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। इसी मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल किया है कि हे चुनाव आयोग, तुम तो कह रहे थे कि हम सख्ती से निपटेंगे, कहां गई तुम्हारी सख्ती? क्या सख्ती ही निपट गई? अब सख्ती से सख्ती पर आ जाइए। हाल ही में महाराष्ट्र में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने एक अदृश्य शक्ति का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि ये वही शक्ति है जो विपक्ष के तमाम नेताओं को तोड़ लेती है, उन्हें डराती है, धमकाती है, विपक्ष की सरकारों को गिरा देती है। यानी उनका इशारा इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की तरफ था और इन्हीं की शक्तियों का जिक्र करके राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति शब्द को पकड़ लिया और पकड़ने के साथ ही उसमें महिला घुसा दिया। कहने लगे कि ये देश की महिलाओं का अपमान है, इंडिया गठबंधन शक्ति को खत्म करना चाहता है। और प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, इस मामले में भी उसने धर्म घुसा दिया। अब जब प्रधानमंत्री ने इसमें धर्म घुसा ही दिया तो कांग्रेस भी पहुंच गई शिकायत करने। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर उसको धार्मिक रंग दिया गया है, जबकि धर्म के नाम पर वोट मांगना, लोगों को भड़काना आचार संहिता का उल्लंघन है। वैसे यहां पर प्रधानमंत्री की बातों का भी जिक्र जरा जरूरी है। कल के लाइव वीडियो में बड़ी तगड़ी चर्चा मैंने की थी, लेकिन एक बात बताना भूल गया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को घेरते हुए यहां तक दावा कर दिया कि हमारे देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा माँ कहा जाता है। मेरे लिए महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं हैं, बल्कि माँ शक्ति स्वरूपा हैं। मैं उनके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। बाकी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में या फिर उसके भी पहले क्या किया है, किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ काम किया है, वो हमने कई बार दिखाया है। मगर अपनी स्क्रीन पर इन खबरों को देख लीजिए। प्रधानमंत्री के अपने राज्य से पिछले 5 साल में 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हो गई, लेकिन इन्हें टाइम नहीं मिला उन महिलाओं को खोजने में, जान लड़ाने के लिए। ये रिपोर्ट मई 2023 की है, जिसमें बताया गया कि 41,621 महिलाएं गायब हो गई, उनका कुछ पता नहीं चला। और सुनिए, वो मामला तो उनके राज्य का था। जुलाई 2023 की न्यूज क्लिक की इस रिपोर्ट को देखिए, जो बताती है कि 3 साल के भीतर इस देश से 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं गायब हो गईं। यहां भी प्रधानमंत्री को जान लड़ाने का टाइम नहीं मिला और अब जब चुनाव आ गया है तो घूम घूम के बता रहे हैं कि महिलाएं मेरे लिए सिर्फ वोटर नहीं है, वोट बैंक नहीं है। यदि वोट बैंक नहीं है तो फिर चुनाव के समय ही आप महिलाओं के लिए जान लड़ाने की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको 23 साल मौका मिला जान लड़ाने के लिए और आपको तो जान लड़ाने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास इतनी सेना है, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि आप खाली इशारा कर दें तो सब कुछ हो जाएगा। मगर फिर भी बकैती करनी है तो करते रहिए। मगर आप सोचिए कितना अच्छा होता यदि प्रधानमंत्री 2-4 उदाहरण बता देते
कब जान लड़ाया, किसके लिए लड़ाया और कब कब बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करवाया। बहरहाल ये तो वो चार मामले हैं जिनमें प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। पहला बच्चों का इस्तेमाल, दूसरा सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, तीसरा अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन, चौथा राहुल गांधी के बयान में घुमाते फिराते उसमें धर्म घुसाना, पांचवां एक और मामला आ गया। आजकल व्हाट्सएप पर नरेंद्र मोदी के नाम से खूब मैसेज आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। इस पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले लिखते हैं कि जिस दिन लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई पूरे देश में और दूसरे देशों में भी लोगों को विकसित भारत संपर्क नाम की आईडी से व्हाट्सएप मैसेज मिला। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का पत्र था और ये मोदी तथा भाजपा के लिए खुला और निर्लज्ज प्रचार करने का उदाहरण है। इनका कहना है कि ज्यादातर मैसेज 16 मार्च को शाम 4:30 बजे के बाद लोगों को मिले और इस समय तक चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी थी, क्योंकि यह संदेश भेजने वाला व्हाट्सएप नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का है। इसलिए मैंने आईटी सचिव से तुरंत जानकारी देने के लिए कहा है और पूछा है कि इतने बड़े स्तर पर मैसेज भेजने के लिए लोगों के मोबाइल नंबर का डेटाबेस क्या था, कितने व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए, आचार संहिता लागू होने के बाद कितने मैसेज भेजे गए। आगे उन्होंने कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री खुद ही पूरे देश में घूम घूम के 4 जून को 400 पार का नारा लगा ही रहे हैं, अगर 400 पार का नारा है तो फिर गिरी हालत में 350 तो आ ही जाएगा, तो फिर इतने सारे तिकड़म लगाने की आवश्यकता क्या है? इतना सारा झूठ फरेब, इतना सारा उल्लंघन गड़बड़ झाला करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? यदि सब कुछ मिलने ही वाला है तो फिर डर किस बात का है भाई? डरना तो चीन को चाहिए जो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। कोई चीन के राष्ट्रपति को बताए कि प्रधानमंत्री अभी चुनाव प्रचार में बिजी हैं, खाली होते ही तुरंत लाल आंख दिखाएंगे और इतनी लाल लाल आंख दिखाएंगे कि दुम दुम दबाकर अपने घर में बैठ जाओगे, बस चुनाव से खाली होने दो फिर तुमको बताएंगे। उधर रामकिशन यादव बहुत ही बुरे फंस गए हैं। अरे भाई, रामकिशन यादव का मतलब रामदेव। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है कि तुम दूर दूर न भागो, हमारे पास आओ, हमारे सामने आओ, और सिर्फ रामदेव को ही नहीं बल्कि बालकृष्ण को भी व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया गया है। हाल ही में भ्रामक प्रचार यानी फर्जी प्रचार करने के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को अवमानना नोटिस जारी किया गया था। इन लोगों ने जवाब ही नहीं दाखिल किया अब तक। अब नाराज होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की पूंछ उखाड़ दी और कहा कि अदालत में आओ, शायद वहां मूंछ भी उखाड़ी जाए। आप कहेंगे कि मामला कहीं और का है और मैं पूंछ और मूंछ की बात क्यों कर रहा हूं? तो यह मैं नहीं कह रहा हूं। याद करिए, एक वक्त में रामदेव ने इस देश की जनता से वादा किया कि 30 रुपया 35 रुपया डीजल पेट्रोल मिलेगा यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो। लेकिन बाद में जब रामदेव से यही सवाल किया गया तो कहने लगे कि हाँ भाई, मैंने बोला था, क्या करेगा, पूंछ पाड़ेगा मेरी, ले पाड़ ले। तो अब देखिए, वहां वादा खिलाफी पर सवाल पूछा तो पूंछ उखड़वाने की बात करने लगे, यहां फर्जी प्रचार के मामले में सच में सुप्रीम कोर्ट ने उखाड़ दिया। और अभी तो देखिए, जब रामकिशन यादव और उनके साथी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो क्या क्या उखड़वा के आएंगे। उधर कांग्रेस पार्टी ने अपनी 25 गारंटी देश के सामने रख दी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हमने कांग्रेस घोषणा पत्र पर गहन विचार विमर्श किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में प्रत्येक की 5 गारंटी है। हर एक न्याय स्तंभ के अंतर्गत 5 गारंटियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं। 1926 से ही देश की राजनीति के इतिहास में कांग्रेस घोषणा पत्र को विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज माना जाता है। देश बदलाव चाहता है, मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की इंडिया साइनिंग नारे का हुआ था। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये वाला पोस्टर भी जारी किया है। इसमें पहला कॉलम है हिस्सेदारी न्याय का। कांग्रेस ने वादा किया है कि जातिगत, सामाजिक और आर्थिक जनगणना करवाएंगे। SC ST OBC आरक्षण 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे, आरक्षण का हक दिया जाएगा, SC ST सब प्लान की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जल जंगल जमीन का कानूनी हक दिया जाएगा, अपनी धरती अपना राज इसके तहत SC ST जो कि सबसे बड़ा सामाजिक समूह व अनुचित क्षेत्र है उसे अनुचित क्षेत्र घोषित करेंगे। दूसरा है किसान न्याय, MSP की गारंटी, कर्ज माफी के लिए आयोग, 30 दिनों के भीतर फसलों के नुकसान पर बीमे का भुगतान, आयात निर्यात की सही नीति, GST मुक्त खेती यानी खेती में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितना भी सामान है, उन सब पर GST नहीं लगाई जाएगी। तीसरा है नारी न्याय, इसमें गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा, केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में 50% महिलाओं को रखा जाएगा, आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे बनाने वाली महिलाओं को वेतन में केंद्र सरकार का हिस्सा दोगुना कर दिया जाएगा, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए अधिकार मैत्री रखी जाएंगी और कामकाजी महिलाओं के लिए जिले में हॉस्टल की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। अगला है
युवा न्याय। कांग्रेस का कहना है कि सरकार आने के बाद कैलेंडर के अनुसार केंद्र सरकार की खाली पड़ी 30 लाख नौकरियों को तुरंत भरा जाएगा। इसके साथ ही हर एक युवा को पहली नौकरी पक्की दी जाएगी, यानी 1 लाख रुपया सालाना देकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेपर लीक से मुक्ति होगी। गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, यानी जो लोग ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, डिलीवरी बॉय हैं, ऐसे तमाम कामगारों को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग भेजा जाएगा। युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। अगला है श्रमिक न्याय, जिसके तहत श्रमिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। दवा से लेकर उपचार, सर्जरी और भी बहुत कुछ देने का वादा किया गया है। श्रम का सम्मान देने की बात कही गई है। इसके तहत 400 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी होगी मनरेगा श्रमिकों के लिए भी। वहीं शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाने की बात भी कही गई है, यानी शहरों में भी सबको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार देने की बात भी कही गई है, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करने का वादा किया गया है। यानी कांग्रेस ने 5 पॉइंट्स में 25 गारंटियां देश के सामने रखी हैं। यदि आप दर्शकों का आदेश होगा तो हम इस मामले पर लाइव वीडियो में विस्तार से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा देंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गोदी मीडिया तमाम तरीकों के तामझाम के माध्यम से इसको जनता तक पहुंचने से रोक देगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक है। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।